आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रियंका गांधी बनी कांग्रेस महासचिव, प्रियंका और ज्योतिरादित्य को यूपी का प्रभार। चार संग्रहालय देश को समर्पित, प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के रतलाम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, नहीं लगा हत्यारों का सुराग। हत्यारों पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, ये कैसा बदलाव का वक्त है। और राजनांदगांव में नक्सली पुलिस मुठभेड़, सामान छोड़कर भागे नक्सली। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। इस समय वो विदेश में है। पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए, जिसे अब पूरा किया गया है। प्रियंका गांधी इससे पहले भी रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करती रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी का महासचिव बना दिया है। महासचिव बनने के बाद प्रियंका उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगी। मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रियंका के साथ उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालेंगे। प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं, और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की नियुक्ति से कांग्रेस काफी उत्साहित है। अब 2019 का लोकसभा चुनाव काफी निर्णायक होने वाला है, इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि अभी लोग कांग्रेस पार्टी को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन 2019 का चुनाव कांग्रेस पूरी दमखम के साथ लड़ेगी और सभी को सरप्राइज भी कर देगी। प्रियंका गांधी के कांग्रेस में आने पर वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। प्रियंका के पार्टी में आने का असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। एक तरफ प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में तैयार किए गए चार संग्रहालयों का उद्घाटन किया। इसकी शुरुआत विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित संग्रहालय के उद्घाटन के साथ हुई। प्रधानमंत्री ने सुबह लाल किले में यह संग्रहालय सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जनता को समर्पित किया। इस संग्रहालय में बोस की जिंदगी से जुड़ी कई अहम चीजें रखी गई हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित संग्रहालय के साथ तीन अन्य संग्रहालयों को देश को समर्पित किया। बोस और आजाद हिंद फौज पर संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और INA से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। वहीं नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी और तलवार के अलावा INA से संबंधित पदक, बैच, वर्दी और अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग पर आधारित याद जलिया संग्रहालय का शुभारंभ कर इसका अवलोकन किया। यहां दो और संग्रहालय बनाए गए, जिनमें 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई से संबंधित संग्रहालय आजादी के दीवाने शामिल है। 26 जनवरी के बाद इन संग्रहालयों को आम जनता देख सकेगी। रतलाम में आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार की उन्हीं के खेत में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने कत्ल के बाद उनकी पहचान छिपाने के लिए उनका चेहरा भी जला दिया। कांग्रेस सरकार बनने के बाद मालवा निमाड़ में ये हत्या की चौथी बड़ी वारदात है। रतलाम के बिलपाक थाना क्षेत्र में आरएसएस के शिवपुर मंडल के पूर्व मंडल कार्यवाह हिम्मत पाटीदार की उनके ही खेत में गला रेतकर हत्या कर दी गई है। आरएसएस के जिला घोष प्रमुख संजय पाटीदार के चचेरे भाई हिम्मत पाटीदार मंगलवार रात खेत पर गए थे। बुधवार सुबह घर नहीं लौटने पर उनके पिता लक्ष्मी नारायण उन्हें खेत पर खोजने के लिए गए, जहां हिम्मत का शव पड़ा हुआ था। उनकी बाइक करीब 10 मीटर दूर पड़ी मिली। उनका गला किसी धारदार हथियार से रेता हुआ था और हत्यारों ने मृतक का चेहरा जलाकर उसकी पहचान छिपाने की कोशिश भी की। खबर फैलते ही लोग और विधायक दिलीप मकवाना मौके पर पहुंचे।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मृतक हिम्मत के परिजनों ने पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वह बीती रात करीब 1:30 बजे खेत की मोटर चालू करने के लिए खेत पर गए थे। उनका खेत कमेड़ और कमठान गांव के बीच है। पुलिस को फिलहाल हत्यारों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज के दर्शकों को और भोपाल निवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दखल न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत विष्णु सक्सेना का नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इस गणतंत्र दिवस पर अपने दिल के अंदर देश की प्रगति के लिए, स्वच्छता के लिए, देश की उन्नति के लिए एक भाव जागृत करें और देश को ऊपर उठाने की जितनी तमाम कोशिशें हो सकती हों वो करें। देश के प्रति उनका ये सबसे बड़ा भाव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य का प्रतीक केसरिया, शांति का सफेद और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग से बना हमारा तिरंगा इस गणतंत्र दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ये कैसा बदलाव का वक्त है जहां सरेआम हत्या हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। शिवराज सिंह बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या के बाद उनकी शोक सभा में पहुंचे थे। पिछले दिनों बड़वानी के बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठाकरे परिवार को सांत्वना देने पहुंचे और शोक सभा में कहा कि आखिर ये कैसा बदलाव का वक्त है, कांग्रेस कैसा बदलाव चाहती थी, प्रदेश में शांति भंग हो रही है, अगर मनोज ठाकरे के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो अब बड़वानी में डेरा डालूंगा। एक बेटे के सिर से बाप का साया उठाए, अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। कारण कोई भी अपराधी कोई हो, लेकिन अपराधी पकड़े जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ज्ञापन दिया है, पूरे प्रदेश में आंदोलन किए हैं। अराजकता का नया दौर शुरू हो गया है। ये कैसा बदलाव है, इंदौर में, मंदसौर में, बलवाड़ी में, गुना में, ग्वालियर में रोज हत्याएं हो रही है। राजनांदगांव के जंगलों में एक बार फिर पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जंगल में नक्सलियों के कैंप पर धावा बोला तो नक्सलवादी अपना सामान छोड़कर भाग गए। पिछली मुठभेड़ में भी नक्सली ऐसे ही सामान छोड़कर भाग गए थे। राजनांदगांव में पुलिस ने नक्सलवादियों की जमकर घेराबंदी कर दी है। एक सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब नक्सलवादी मुठभेड़ के बाद अपना सामान छोड़कर भागे हों। थाना मानपुर के तहत आने वाले बकमरका के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जब नक्सली कैंप छोड़कर भागे तो बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया गया। राजनांदगांव डीआरजी और एसटीएफ ने इस काम को अंजाम दिया। गरीबों को आवास बनाकर देने की योजना को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। अधिकारियों की नाफरमानियों का शिकार एक महिला कड़कड़ाती सर्दी में झोपड़ी में रहने को मजबूर है। यह मामला राजनांदगांव का है। अपने घर का सपना वादा सिंगोला के गड़ियापार में रहने वाली पेमिन बाई यादव के लिए सपना साबित हो रहा है। घास फूस की झोपड़ी में रहने वाली अति गरीब ये महिला सरकारी योजना का लाभ पाने अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पीएम आवास योजना में नाम आने के बाद भी जिम्मेदारों ने इसे अपात्र बता दिया, जिसके चलते महिला झोंपड़ी में रहने को मजबूर है। इस कड़ाके की ठंड में लगातार झोंपड़ी के बाहर सोने की वजह से पेमिन अबाई के 22 वर्षीय बेटे गुमान यादव की मौत हो गई। झोंपड़ी में जगह कम होने के कारण बेटा दरवाजे के पास सोता था। जी निश्चित रूप से ये बड़ा दुखद है और इसमें ये भी खबर आई थी कि ठंड की वजह से शायद ऐसा हुआ है, लेकिन उसकी भी अभी जांच चल रही है। उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और उम्मीद करेंगे कि उस परिवार को सरकार जल्दी से जल्दी मदद मुहैया कराए। कलेक्टर से भी मैंने इस विषय पर बातचीत की है
प्रशासन को भी बोला है कि संवेदनशीलता के साथ इस विषय को नहीं, उसको बेसिकली गैंगरेन का प्रॉब्लम था और बहुत दिनों से बीमार था, उसके परिवारजनों से बात किया है तो ठंड के कारण नहीं मिला, उनके पास ओढ़ने के लिए पथरी वगैरह था सबके पास, जो हर लोग वही ओढ़ते थे, उसको काफ़ी दिनों से गैंगरेन का प्रॉब्लम था और अभी वो इतना मतलब एडवांस हो चुका था कि उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था काफ़ी दिन से, तो उसके कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। वहीं गुमान की मौत के बाद भी जिला प्रशासन इस मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश में लगा रहा। वहीं मामले में सांसद अभिषेक सिंह ने घटना पर दुख व्यक्त किया और घटना की जांच की बात कही है। कर्ज माफी के बाद ऋण घोटाला सामने आने पर गुस्साए किसान कलेक्टर को शिकायत करने पहुंचे, लेकिन दो घंटे के लंबे इंतजार के बाद भी कलेक्टर ने किसानों से मिलना मुनासिब नहीं समझा तो किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे नाराज कलेक्टर ने किसानों को जमकर फटकार लगाई। छतरपुर में किसानों के कर्ज माफी के बाद सामने आए ऋण घोटाले से परेशान किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। किसान जब इस मामले की शिकायत करने कलेक्टर के पास पहुंचे तो कलेक्टर ने उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। दो घंटे बीत जाने के बाद गुस्साए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे नाराज कलेक्टर ने किसानों को जमकर फटकार लगाई। कमलनाथ सरकार किसानों का ख्याल रखने की बात कर रही है, वहीं अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। किसानों की जो ऋण माफी योजना जो वितरण होना था, उस वितरण में हमारे नौगांव तहसील के अंतर्गत आने वाली भदर्रा जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत 9 गांव लगते हैं और प्रत्येक गांव में किसानों के नाम पे कर्ज माफी के नाम पे जो लूट वहां के समिति प्रबंधक और वहां के जुड़े हुए कर्मचारियों के द्वारा की गई, जिन खातेदारों के कई खातेदारों का तो वहां खाता भी नहीं है, जिनके नील खाते हैं उनके नाम से 5-5 लाख रुपये की राशि दर्शाई गई है, जिन लोगों ने थोड़ा मोड़ी राशि ली भी है उनके भी बढ़ा चढ़ाकर लाखों रुपए बढ़ा चढ़ाकर उनकी राशि दर्शाई गई है। अगर आज कांग्रेस सरकार ये किसानों की कर्ज माफी नहीं करती तो किसानों की जमीनें बर्बाद हो जाती, इनको जमीनें बेच के ये ऋण चुकाना पड़ता है। हमारे साथ ये हुआ कि हमने एक नए पैसा न तो समय से पैसा लिया ना एक तोला खाद ली, अब 92,786.50 रुपये का रही सर। पैसा मंगाए है 5 लाख के, एक 5 लाख है लिस्ट में, लाए है कि नहीं लाए? नहीं सर, गऊ नहीं है। शिकायतें ये आ रही हैं कि कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के अंदर सहकारी समितियों में जिन लोगों ने लोन नहीं लिया उनके नाम पे भी लोन चढ़ा हुआ है, और ये अभी जब कर्ज माफी की स्कीम लागू हुई तो ये चीज़ सामने निकल के आ रही है। ये 3-4 ग्रुप्स अलग अलग ग्रामों से मुझसे आके मिले हैं, जिन्होंने मुझे ये सूचना दी। इसके अतिरिक्त मुझे और भी सोर्स से सूचना मिली है और ये बड़ा गंभीर मामला है, और इसके लिए मैंने एक सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है, जिसमें कि और जो लोग बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंस को समझते हैं उनको भी मेंबर रखा गया है। ये सभी किसान कांग्रेस नेता दौलत तिवारी के साथ कलेक्टर से मिलने गए थे। इसके बावजूद किसानों की सुनने की बजाय कलेक्टर उन्हें फटकार लगाकर चलते बने, लेकिन बात बढ़ती देख कलेक्टर ने सोसाइटी में किसानों के लोन के मामले की जांच टीम गठित कर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम है उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवावासी पाउडर की ओर से बहुत बहुत बधाई। पर्व चिन्ह की ओर से गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइडल सैलून की ओर से गणतंत्र दिवस की सभी शहर एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस राष्ट्रीय त्यौहार को सभी देशवासी बहुत उमंग और उत्साह से मनाएं। सबके साथ एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइडल फैमिली सैलून की तरफ से सभी देशवासी और भोपाल वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रीवा पुलिस ने गांजा तस्करों की घेराबंदी करते हुए करीब 1 करोड़ कीमत का 10 क्विंटल से ज्यादा गांजा पकड़ा। ये गांजा एक ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद एक बार फिर रीवा पुलिस ने गांजा तस्करों की कमर तोड़कर रख दी है। इस बार पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 1 करोड़ कीमत का 10 क्विंटल से ज्यादा गांजा पकड़ा है। चोरहटा थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद गांजे की बड़ी खेप तस्करों सहित पकड़ी गई। इसका क्या है कि अभी 10 टन 50 ग्राम है, इसकी लागत इंटरनेशनल मार्केट में सब लगभग अराउंड 10 करोड़ रुपए आंकी जाएगी। और ये 5 आरोपी है, इसके साथ एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो है। और इन सभी आरोपियों के बारे में जानकारी है, ये लोग क्या क्या काम करते थे। इसके साथ इन लोग का पूरा बड़ा नेटवर्क है। ये लोग लगातार क्या है कि यहाँ गांजा का पुड़िया बेच के ना केवल रीवा यूपी के आसपास के क्षेत्र और या पन्ना पूरा जगह पे लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। चार्टर दिमाग गांजा तस्करों ने पुलिस को चकमा देने और गांजे की महक को छिपाने के लिए ट्रक के ऊपरी हिस्से में डालडा के डब्बे रख दिए थे, लेकिन पुलिस की नजरों से ये तरकीब भी गांजा तस्करों को बचा नहीं सकी। भोपाल पुलिस ने कुछ शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें वाहन चोर, लुटेरे और शहर में गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक तत्व शामिल हैं। 13 जनवरी की रात कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की एवं स्थानीय निवासियों के साथ मारपीट करने वाले गुंडों मोनू अगरिया, इरफान आजाद और रिजवान को कमला नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हबीबगंज पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उससे 12 दो पहिया वाहन जब्त किए हैं। ये वाहन चोर श्याम और सुरेन्द्र सिंह पीपल रावण कंजर डेरा जिला देवास का रहने वाला है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने कई सारी चोरियां यहां पे होना स्वीकार किया। इसका काम करने का तरीका यह था कि वो आता था यहां से मोटरसाइकिल चोरी करके यहीं कहीं दाएं बाएं छिपा देता था, फिर बाद में उसको बेच के निकलता था। गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी रहती हैं। तो इस मामले में भी कमला नगर थाने की टीम लगी रही और उन्होंने इस मामले को डिटेक्ट करने में सफलता प्राप्त की है। और इसमें हमारे 5 बदमाशों के नाम आए हैं, जिसमें मोनू अगरिया, इरफान आजाद, रिजवान हैं। ये हम गिरफ्तार कर चुके हैं और लालू के 5000 का इनाम घोषित किया है, उसको भी हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। थाना शाहपुरा इलाके में लूटपाट करने वाले सिद्धार्थ चौधरी उर्फ छोटू, राहुल मीणा, आकाश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे लूटी गई गाड़ी, मोबाइल बरामद कर लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसलिए देती है ताकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निशक्त व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। लेकिन जनपद पंचायत कोटा में ऐसी दर्जनों पंचायत हैं जहां हितग्राहियों को पेंशन के लिए ठोकरे खाना पड़ रहे हैं और लंबे समय से पेंशन नहीं मिलने के चलते उन्हें लोगों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक अरसे से पेंशन नहीं मिलने के कारण दर्जनों ग्राम पंचायतों के सैकड़ों पेंशनधारियों ने कोटा एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। धरने पर बैठे पेंशनधारियों में महिलाएं, बुजुर्ग और निशक्त जन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि करीब 18 महीनों से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनके सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। गांव में 350 रूपए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप 1,000-1,500 रूपए की बात तो आप बाद में कीजिए, पहले आप 350 की जो बात चल रहा है पहले से उसी को अगर 2 साल से बचा, एक मुफ्त 2 साल से अगर का पेमेंट निराश्रितों को मिल जाए वही उनके लिए वरदान होगा। आप 1,000 संख्या से ज्यादा खुशी होगी, वो 6 महीने साल भर से 1.5 साल से रुका है वो राशि दे देंगे आपको, ज्यादा खुशी होगी उसे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हर माह समीक्षा करने वाले जनपद या जिला पंचायत अधिकारी और जिले में ATL की बैठक लेने वाले कलेक्टर की आंख में भी जिम्मेदार अधिकारी धूल झोंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बुजुर्ग विकलांग इस तरह भटकने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में विधायक इस समय पूरी मस्ती में हैं। जीत के बाद आभार जताने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक प्रद्युमन सिंह गाना गाते नजर आए। विधायक की इस महफिल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो तौबा ये मतवाली चाल गाते नजर आ रहे हैं। विधायक जी मंच पर पूरी मस्ती में हैं और संगीत की स्वर लहरियों पर रिदम पकड़ने की कोशिश में हैं। मंच के नीचे बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद हैं। जैसे ही विधायक जी ने तौबा ये मस्तानी चाल गाया, समर्थकों ने जमकर तालियां बजाई। छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा सीट से पहली बार कांग्रेस पार्टी से विधायक बने प्रद्युम्न सिंह लोधी का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। विधायक जी ने एक के बाद एक कई गीत गाए। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है।
बड़ा मलेरा से चुनाव जीतने पर आभार प्रकट करने के लिए संगीत सभा का आयोजन किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।